सो हेलो वेलकम, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेरी हर वीडियो होती है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने जो स्टार मेकर का गाना है उस पर थंबनेल और हैशटैग वगैरह कैसे लगाते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने हैशटैग वगैरह बताया था कि हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सॉन्ग को रैंकिंग में और टॉप 10 में लाने के लिए। क्योंकि अगर आपका एक सॉन्ग रैंक कर गया तो आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल रैंक कर जाएगी। सो इस वजह से वीडियो को लास्ट देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आज ये पूरी प्रोसेस जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ही होगी, फेस कैम पे नहीं। सो वीडियो को देखिएगा, चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना जो स्टार मेकर एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेना है। तो मैंने जस्ट ओपन कर लिया है। आपको फॉर एग्जाम्पल, मैं एज ए एग्जाम्पल के लिए कोई भी सॉन्ग ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसे पब्लिश कर लेता हूँ। सो मैं कोई भी सॉन्ग ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये कोई भी सॉन्ग ऐसे ले लिया और उसे सिंग पे क्लिक कर दूंगा, सोलो पे क्लिक कर दूंगा, सोलो पे क्लिक कर दिया। ये प्रोसेस थोड़ा सा चलेगी, प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसको कट कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो थंबनेल वगैरह है वो आपको अट्रैक्टिव बनाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एज ए एग्जांपल की बताऊंगा, लेकिन आपको थंबनेल अट्रैक्टिव बनाना है। थंबनेल अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको करना क्या है कि आपको कोई से भी पोजीशन में, गाने की कोई पोजीशन में, बाय द वे आप गाना गा रहे हो उसकी कोई पोजीशन में आप अपना एक फ़ोटो ले लीजिएगा, और उसमें ऐसा लुक होना चाहिए कि हाँ लगे कि आप गाना गा रहे हैं। और आप उसके आगे अपने गाने का नाम, जो भी आपका सॉन्ग है उसका नाम ले दीजिएगा, और अपना जो है उसको थोड़ा सा HDR में कन्वर्ट कर दीजिएगा और उसे अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट में कर देता हूँ, स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा ये प्रोसेस चल रही है। सो आवाज़ में डाउन कर देता हूँ, फिनिश कर दूँगा। फिनिश करने के बाद फिर से आपको करना है कि आपको पोस्ट करना है। पोस्ट करने के बाद ये प्रोसेसिंग चलेगी, आपको पता ही है। अब यहाँ पे आ जाती है बात, यहाँ पे हमें जो भी करना है, देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिखनी है, ऊपर जो लिखा हुआ है व्हाट्स ऑन योर माइंड, ये एज अ डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या है, ठीक। तो आप अपने हिसाब से इतना बढ़िया अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन लिखिएगा कि लोग पढ़ें तो हाँ लगना चाहिए कि प्रोफेशनल सॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैमरे पर जस्ट क्लिक करेंगे, कैमरे पर क्लिक करने के बाद आपको कोई सा भी एल्बम ले लेना है, कोई सा भी फ़ोटो ले लेना है, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। सो मेरी जो गैलरी है ओपन हो चुकी है, जैसे मैं एज ए ये ले लेता हूँ, ये ये थंबनेल ले लेता हूँ, ये थंबनेल हो चुका है, इसे मैंने चूज़ कर लिया। अब ये मेरी प्रोफाइल पे लग जाएगा, सो ये मेरे प्रोफाइल पे लग चुका है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, पहला जो है वो मेंशन का है, दूसरा जो है हैशटैग का है, तीसरा जो है वो लोकेशन का है। अब मेंशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी को ज्वाइन यानी मेंशन करना चाहते हैं, अपने किसी ख़ास दोस्त को, अपने किसी ख़ास फ्रेंड को अगर आप मेंशन करना चाहते हैं, तो @ लगा के उसका नेम यानी कि उसकी प्रोफाइल आईडी का नेम लिख दीजिएगा। और अगर आप किसी का कोलैबोरेशन ज्वाइन करते हैं तो उसे आपको मेंशन करना ज़रूरी है। मेंशन करने से फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको बताऊँ, मेंशन करने से फ़ायदा ये होगा, अगर आप किसी को मेंशन करेंगे, चाहे जितने लोगों को करें, अगर आप किसी को मेंशन करेंगे तो आपके गाने की नोटिफिकेशन उन सबके पास पहुँच जाएगी, ठीक है। तो कभी कभी होता है स्टार मेकर सबको नोटिफिकेशन, आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं सबको नहीं देता है, इसलिए आपको मेंशन करना पड़ता है। तो आप सबको, जितने भी खास खास लोग हैं जिनके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, उनको आप मेंशन में ले लीजिएगा, तभी आपके सॉन्ग रैंकिंग कर पाएंगे। फिर उसके बाद हैशटैग की बारी आती है, बाय द वे ये अजनबी मुझको इतना पता सॉन्ग है, तो हैशटैग में जाऊँगा। हैशटैग लगाने के बाद मैं हैशटैग लगाऊँगा, ये मैंने हैशटैग लगाया, फिर उसके बाद अजनबी लिख दिया, अजनबी, ठीक है, फिर इसको सेलेक्ट कर दिया, ये हैशटैग पहला हैशटैग हो गया, ठीक है। और इसके बाद अलका याग्निक का ये सॉन्ग है, फिर मैं हैशटैग लगाऊंगा, हैशटैग लगाने के बाद अलका याग्निक, ठीक है, ये अलका याग्निक हो गया। देखिए आपको हैशटैग में, हैशटैग शुरुआत में भी लगाना है और लास्ट में भी हैशटैग लगाना है, ठीक है, तभी आपका हैशटैग कंप्लीट होगा। और फिर उसके बाद अलका हो गया, फिर इसका आपको लिख देना है 90 सॉन्ग, तो हैशटैग वगैरह लगाना है, फिर उसके बाद लिख देना है 90s सॉन्ग्स, ठीक है, ये हैशटैग हो गया। तीन हैशटैग आप पे लग चुके हैं। फिर उसके बाद रोमांटिक सॉन्ग, हैशटैग रोमांटिक, रोमांटिक सॉन्ग, ठीक है,
ये हैशटैग लग चुका है, ये रोमांटिक सॉन्ग का लग गया। तो आपको ऐसे ही सारे के सारे हैशटैग लगाने हैं, इससे ही आपका जो सॉन्ग होगा वो रैंकिंग में चला जाएगा। अगर आपके बाय द वे कोई सॉन्ग ये अजनबी सर्च करता है, तो सर्च करने के बाद आपके जो जब ये अजनबी गाना होगा तो उसके जस्ट नीचे आपका जो सॉन्ग है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वो कर देना है, सेंड कर देना है। लोकेशन भी आप अपनी दे सकते हैं, लोकेशन आप कहाँ रहते हैं, कैसा लोकेशन है, आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं लोकेशन देना, ज़रूरी आपका केवल मेंशन है और आपके जो हैशटैग वगैरह है, ठीक है। तो थंबनेल मैंने बता दिया और हैशटैग बता दिया, ये दोनों चीज़ आप यूज़ करिएगा। हैशटैग जितने चाहें उतने आप लगा सकते हैं, ठीक, कोई इसका वो नहीं है। बस ये है कि 200 यहाँ पे दिया हुआ है, 280, तो 280 जाहिर सी बात है कोई लगाएगा नहीं, 100 बहुत हैं आपके सॉन्ग को रैंक करने के लिए, 100 बहुत है। और कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर लिख देगा, रोमांटिक सॉन्ग जैसे हो गया, ठीक है, बॉलीवुड सॉन्ग जैसे हो गया, हैशटैग जैसे, बाय द वे मैंने हैशटैग को यूज़ कर लिया और हैशटैग बॉलीवुड 90 हिट सॉन्ग, ठीक है, मैंने ये लगा दिया, आप इसको भी लगा दीजिएगा। सो उसके बाद आप अपना सेंड कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, तो इससे जब आप पब्लिश करेंगे तो आपका जो सॉन्ग है वो रैंकिंग में आ जाएगा। तो मैंने दोनों यहाँ पे बता दी है आपको कैसे क्या करना है। तो इतने सारे हैशटैग लगेंगे तो आपका सॉन्ग ऑटोमेटिकली रैंकिंग कर जाएगा। ये है हैशटैग लगाने का प्रोसेस। आपको हैशटैग शुरुआत में भी लगाना है और आखिर में भी लगाना है, यानी कि जब नाम ख़त्म हो जाए उसके बाद भी आपको हैशटैग वगैरह लगाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही जो मैंने बताया। अब आपको करना ये है कि आपको बढ़िया सा अट्रैक्टिव सा थंबनेल बनाने, अगर नहीं पता है तो बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा थंबनेल कैसे बनाया जाता है अट्रैक्टिव। तो चलता हूँ, आऊँगा अगली नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन को दबाते समय ऑल पर जरूर सेलेक्ट करिएगा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।